डाउजिंग एक तरीका है, एक भापने का तरीका है किसी भी चीज को। पहले के टाइम में बोलते थे मिट्टी के नीचे पानी जो दबा हुआ या खनिज पदार्थ जो दबे हुए हैं वो डाउजिंग की मदद से हम उसको फाइंड आउट करते रहे। डाउजिंग में जो इक्विपमेंट यूज हुआ उसको पेंडुलम बोला। पहले डंडिया यूज करते रहे, अब हम पेंडुलम यूज करते हैं, वो पेंडुलम है। दैट्स अ डिफरेंस। डाउजर इज ए मेथड, पेंडुलम इज एन इक्विपमेंट, एलरॉड इज एन इक्विपमेंट, और स्कैनर इज ए इक्विपमेंट। मेथड डाउजर है, हर चीज में डाउजिंग ही होती है, हर चीज में डाउजिंग ही होती है, राइट। लोग बोलते हैं कि रोमन्स ने आविष्कार किया या ग्रीक्स ने आविष्कार किया, अगेन एज आई सेड इट्स ए एशियन साइंस। और जिस समय में जो भी लोग जहां पे भी जीवन व्यतीत करते थे, मशीनें नहीं थी तो पानी कहां से निकालेंगे? पानी तो धरती के नीचे से मिलता है, ये बात तो हमें सबको पता, स्रोत वहीं से आते हैं। तो पानी को निकालने के लिए उन लोगों ने अपने अपने तरीके से, बट अपने इसी मेथड से, सबकॉन्शियस माइंड के मेथड से, एनालाइज के मेथड से उस पानी को ढूंढा या खनिज पदार्थ को ढूंढा। नहीं ना तो ये दिस इज फ्रॉम द रोमन और द ग्रीक्स, बिकॉज ये भी प्राचीन संस्कृति है, लेकिन और भी प्राचीन, हमारी संस्कृति भी बहुत प्राचीन है, भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। तो उस समय उन सबने इसी माध्यम से ढूंढा। इसके ऊपर जो इंडिकेशन देने का टूल होता है, उस टूल को पहले डंडिया यूज की जाती थी, आज की तारीख में उस टूल को बोलते हैं हम पेंडुलम, और पेंडुलम के माध्यम से उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पहले थ्योरी का समझ लेंगे, उसके बाद हम जो है समझेंगे कि पेंडुलम कैसे करेंगे काम। पेंडुलम सिर्फ आंसर जो देता है वो यस और नो के रूल में देता है, इधर इट इज यस और नो, पेंडुलम में और कुछ नहीं होता। क्वेश्चन इज टू बी वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी क्लियर। क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएटली क्लियर, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होगा तो पेंडुलम गेट कंफ्यूज एंड द रिजल्ट वेरीज। वो यस या नो इसी चक्र के माध्यम से आपको देगा। हमेशा पेंडुलम को यूज करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या मैं रेडी हूं पेंडुलम को यूज करने के लिए? यस और नो में आंसर ले। नॉट एट दिस टाइम आया तो आंसर ऐसा आएगा, दिस इज द शेप दैट यू आर गेटिंग ऑन द स्क्रीन, इट इंडिकेट्स यू आर नॉट रेडी एट दिस पॉइंट। यू आर रेडी, मे बी यू आर रेडी, विच मीन्स यू नीड टू बी सबकॉन्शियसली बींग रेडी टू गेट यूज ऑफ द पेंडुलम। मे बी अगर आया तो आप रेडी हैं या नहीं है। नॉट एट दिस टाइम तो नहीं है, यस है तो ओके है, नो है तो नो है। पेंडुलम कैसे आंसर देगा? पेंडुलम अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो आंसर इज यस, पेंडुलम अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आंसर इज नो। इट्स वेरी क्लियर। किसी भी चीज के लिए हम पेंडुलम को यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि पेंडुलम को यूज करने के लिए हम सिर्फ यस और नो में करेंगे। अगेन आई सेड इट इन द बिगिनिंग, यस और नो में आंसर देगा, आंसर यस और नो में देगा। आप ये नहीं पूछ सकते कि जी मेरा बुध अच्छा है या गुरु अच्छा है, या नहीं, मेरा बुध अच्छा है, हाँ या ना, या तो हाँ या तो आप पूछो मेरा बुध अच्छा है या बुध नहीं अच्छा। या जैसे ये चार्ट दिया है, ये चार्ट दिया है, मेरा कौन सा ग्रह सबसे मजबूत है, मेरा कौन सा ग्रह सबसे मजबूत है, मेरा कौन सा ग्रह सबसे वीक है, मेरा कौन सा ग्रह मुझको सबसे अच्छे परिणाम दे रहा है, मेरा कौन सा ग्रह मुझे सबसे वीक परिणाम दे रहा है, पेंडुलम विल स्टार्ट मूविंग टू दैट डायरेक्शन। मेरा कौन सा ग्रह मुझे अच्छे रिजल्ट दे रहा है, कौन सा ग्रह का मुझे स्टोन पहनना चाहिए, कौन से ग्रह का मुझे रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन से ग्रह के मुझे मंत्र जाप करने चाहिए, कौन से ग्रह के मुझे दान करने चाहिए, कम से इट्स अ रेमेडी। मैंने बोला मैं रेमेडी कल बताऊंगा, रेमेडी हो गई। ऑल ऑफ यू नो कि ग्रह की रेमेडी कैसे होती है, राइट? इट्स दैट सिंपल। दिस इज इन परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल मेरा आज का ये सेशन कितने परसेंट सक्सेसफुल होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा आज का ये सेशन कितने परसेंटेज सक्सेसफुल होगा, दिस गिव्स पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारा चॉइस है। पेंडुलम को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता,
द मूवमेंट वी गिव द मूवमेंट वी से द वे वी से आंसर विल बी दैट वे आंसर विल बी दैट वे हमारा आज का दिन कितने परसेंट शुभ होगा हमारा आज का ये मीटिंग कितना अच्छा होगा क्या हमारा ये मीटिंग सक्सेसफुल होगा क्या हम आज अपने काम में सफल होंगे जो भी एक्टिविटी है वो आपको स्पेसिफिक बोलनी है ना द अदर थिंग इज दैट पेंडुलम या कोई भी एनर्जी किसी भी समय पे जब आप पूछ रहे हो वो उस पर्टिकुलर क्षण पे काम करती है फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज पूछी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा ये काम होगा अब उस समय की जो प्रेजेंट एनर्जीज है उसके बेस के ऊपर उसके रिजल्ट है उस समय में दो एनर्जी काम कर रही है एक आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड जो कनेक्ट कर रखे काम कर रहा है दूसरा वो एनर्जी काम कर रही है जिस के लिए आपने एनर्जी पूछी है फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू आस्क फॉर ए घर के लिए मैं बात करूं आप पूछे कि मेरे नॉर्थ की एनर्जी पॉजिटिव है क्या मेरे नॉर्थ की एनर्जी में डिस्टर्बेंस है आंसर यस और नो उस प्रेजेंट मोमेंट पे आएगी उस प्रेजेंट मोमेंट पे आएगी क्योंकि अगर आपने नॉर्थ में कुछ बाद में बदला आप मेरे को बोले आप पूछेंगे जी मेरे नॉर्थ की एनर्जी एक महीने के बाद पॉजिटिव रहेगी नहीं आंसर सही आएगा अभी प्रेजेंट के मोमेंट प्रेजेंट के सिनेरियो कोई भी एनर्जी स्कैनिंग आज के सिनेरियो में आज के संपर्क में काम करती है जो सराउंडिंग आपने क्रिएट करी है अपने मनस की और ऑब्जेक्ट की अपने मनस की और ऑब्जेक्ट की उन दोनों के संपर्क में आपसे कनेक्ट करके एनर्जी काम करेगी आपका मनस और ऑब्जेक्ट में डिस्टरबेंस आ गया फ्यूचर में चाहे घंटे के बाद आंसर बदल जाएंगे आप अच्छे और बुरे दोनों के आंसर के लिए अभी पूछ सकते हैं कि मेरा ये काम अच्छा होगा तो अच्छा है यस हो रहा है तो उसने दिया 90% अच्छा हुआ आपकी डायरेक्शंस अच्छी जाएंगी तो वो काम अच्छा करेगा अगर वहां पे एनर्जिकल जो सराउंडिंग है वो वीक हो गई या वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो काम की रेशियो चेंज हो जाएगी काम की रेशियो में परिवर्तन आ जाएगा राइट इट मीन्स कि अभी आपने पूछा अभी हम सारे यहां बैठे हैं अभी आपने एक सब्जेक्ट को पूछा आपने बोला क्या हमारी ये क्लास सक्सेसफुल है आंसर आया यस ठीक है वो ये मतलब नहीं है कि सक्सेसफुल का मतलब ऑटोमेटिक सक्सेसफुल है बट वी नीड टू पुट एन एफर्ट इफ आई डू नॉट पुट द एफर्ट्स व्हाट द क्लास विल डू आंसर तो यस था तो आंसर यस से हमारी आज की जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे माइंड के अंदर पूरा मैपिंग थी आज की क्लास की तो उस मैपिंग से कनेक्ट होकर आंसर आया यस बट आई एम नॉट वर्किंग ऑन दैट मैपिंग आंसर विल वेर तो बैकग्राउंड जो मैंने उस टाइम पे डिजाइन करी है उस बैकग्राउंड पे उस मनस पे मैं काम करके विचार करके कर रहा हूं तो आंसर ठीक उस पे काम करेगा नहीं तो आंसर विल वेरी नाउ अनदर थिंग इज दैट कौन सा एलिमेंट आपका स्ट्रांग है फायर वुड मेटल और अर्थ ठीक या सिमिलर वे आप इसको यूज कर सकते हैं फायर फायर मतलब कॉपर वुड यहाँ पे लिखा ही है मेटल यहाँ पे लिखा ही है वाटर वाटर यहाँ पे लिखा ही है अर्थ मतलब ब्रास So you can put fire की जगह पे copper, earth की जगह पे brass, and you can check which metal is stronger for you, which metal is working for you. वो आपको बड़े easily तौर पे मिलेगा जिस जगह पे pendulum की direction move करेगी वो आपका yes है नहीं तो वो आपका no है simple क्या business and career पेंडुलम के केस में आपके अनगिनत questions के answers pendulum देने की हिम्मत रखता है अगेन डिपेंड करता है कि हम कितना स्ट्रांगली पेंडुलम को कनेक्ट करते हैं अभी इसको करने का सही तरीका क्या होता है पेंडुलम को पकड़ने का सही तरीका सिर्फ सिंपल है इसको तीन उंगली से पकड़ें इट्स लाइक दैट ये पेंडुलम है दिस इज पेंडुलम ठीक है इसको ये ऊपर इसका नेट बना हुआ है तीन उंगली से पकड़ा सिंपल कुछ नहीं करना That's it. अब आप सारे लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर ले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी लाइव प्रैक्टिस ऑन द पेंडुलम ठीक है पेंडुलम के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं मैं एक बार आपको वो डूज एंड डोंट्स क्लियर कर देता हूं ताकि बाद में पेंडुलम पे सब्जेक्ट पे हमें आगे ना रहे
पेंडुलम मैंने जैसे बताया कुछ भी मेटल का आपका यूज कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेंडुलम का क्वेश्चन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए मन में। अगर मन में डाउट है कि आंसर पता नहीं सही आएगा नहीं आएगा, गलत देगा क्या देगा, बात विश्वास करें नहीं करें, चलो ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, देख लेंगे अगर सही लगा तो ठीक है, यस नो इधर, नो मे बी मे नॉट बी, नो मे बी मे नॉट बी, नथिंग, इट इज इधर यस और इधर नो, इन बिटवीन नहीं होता ये, ठीक। उसमें कॉन्फिडेंस रखें आंसर पे अपने, प्रैक्टिस साधना जो लोग करते हैं साधना या जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो अपने आप को बहुत जल्दी स्टेबल कर लेते हैं। बायस माइंड से नहीं करना, जब हमारा माइंड बायस होगा तो रिजल्ट में भी बायस आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम सामने वाले को मान के चल रहे हैं ये तो है ही निकम्मा, और उसकी हम कह रहे हैं भैया देख तेरा मैं दिखाता तू निकम्मा है या नहीं है, हमने मन में सोच लिया ये तो है ही निकम्मा, तो आंसर भी निकम्मा आ रहा है, देख तेरा मैंने बोला था तू निकम्मा है, निकम्मा आया, तो वो मैजिक ना करें, ठीक है। तो इट इज नॉट ए प्ले गेम, इट्स ए डिवाइन फोर्स, डिवाइन एनर्जीज, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो ये इन चीजों ध्यान रखें। अब हमारी जो हम जो पेंडुलम को यूज करें हमेशा विश लेके यूज करें, प्रभु से विश में प्रार्थना करें, हे प्रभु हे कॉस्मिक एनर्जीज आपके आशीर्वाद से मैं इस पेंडुलम को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कृपया अपना रिजल्ट दें, अपना आशीर्वाद दें और रिजल्ट सही बताएं। एक्चुअली सारे रिजल्ट्स को बाहर हमें कॉस्मिक पे शिफ्ट करना चाहिए, हमें यूनिवर्स पे शिफ्ट करना चाहिए, हमें अपने ऊपर नहीं लेना, उससे हमारा काम इजी हो जाता है। जब हम अपने से अपने ऊपर लेते हैं तो हमारी एनर्जी ज्यादा काम करती है, यूनिवर्स से कम आती है। लेट्स ट्राई टू डू कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड गेट द एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स बायस नहीं है, यूनिवर्स अपनी जगह स्टैंड करता है, वो बायस नहीं होता। तो कनेक्टेड किसी भी तरीके से जैसे भी आप प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट की, अपने कुलदेव की, जैसे भी आप प्रार्थना करते हैं अपने जिस भी प्रभु की आप प्रार्थना करते हैं उनसे आशीर्वाद लें, यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करें और एक परमिशन लेके हे 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 देवता हे देवी मैं आपकी परमिशन से इस पेंडुलम को यूज कर रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, सही आंसर सही उत्तर प्रदान करें, ठीक। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, काम कर लेने के बाद पेंडुलम को उठा के ऐसे ही नहीं धर देना, फेंक देना, हे पेंडुलम हे देवता हे देवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस आंसर का, यानी कि उसको इज्जत है। देखो आप कॉस्मिक कॉस्मोस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पावर आपको वहां से आ रही है, इज्जत नहीं देंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, सिंपल रूल है ये, तो एक गिव एंड टेक वाली बात है। तो हम तरीके से लें, तरीके से उठा के रखें और उसकी इज्जत से वापस रखें तो आंसर आता है। जो लोग टैरो कार्ड करते हैं ना, टैरो कार्ड में काफी लोगों को सिखाया, या जो लोग ने क्रिस्टल्स भी किया है बंदो, क्रिस्टल्स में भी सिखाया होगा, रादर आई वुड से डेट कोई भी आपने मॉडलिटी करी है, तो जब भी आप इन चीजों को कनेक्ट करते हैं लेते हैं परमिशन लेके करें प्रभु से, और उसके बाद परमिशन लेके उनके उनका शुक्रिया अदा करते हुए ग्रेटिट्यूड करते हुए चीजों को वापस रखें अपनी जगह पे अपनी प्लेसमेंट पे, ठीक है। इस तरीके से करें। प्री कंसीव माइंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्री कंसीव माइंड अगर किसी का किसी समय पे है तो कनेक्ट नहीं होगा, काम के रिजल्ट सही तरीके से नहीं आएंगे। पेंडुलम को होल्ड जो करते हैं एक हल्के हाथ से करते हैं, बहुत टाइट नहीं करते, इट्स नॉट वेरी टाइट स्ट्रॉन्ग, नो इट्स वेरी लाइट हैंड, वेरी वेरी लाइट हैंड, लाइट हैंड से इसको कनेक्ट करते हैं। मुट्ठी बंद नहीं करते, मतलब मुट्ठी बंद नहीं करते, टाइट नहीं करते, मतलब विंड स्टिफ बॉडी नहीं होती, इट्स ए वेरी लूज कनेक्ट, वेरी लूज कनेक्ट, तीन उंगली से थंब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीन, ठीक है, तीन उंगली से बड़े आराम से पेंडुलम को कनेक्ट करें इसको ऐसे, दैट्स इट, ठीक। ये पेंडुलम को कनेक्ट करेंगे, पेंडुलम का आंसर यस और नो में आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ द पेंडुलम। अब सब लोग आपने अपने अपने पेंडुलम, जिसके पास पेंडुलम है वो पेंडुलम निकाले, जिसके पास पेंडुलम नहीं है वो कुछ भी निकाले, कोई चेन निकाले, अपने गले की चेन निकालो, अपना मंगलसूत्र निकालो, अपना कुछ भी निकालो, टिकट एनीथिंग दैट यू हैव, टिकट एनीथिंग, ये चलेगा, हाँ हाँ ये चलेगा, ठीक है। इसको आप अपने एक पेपर पे बना लें, या जो लोगों को प्रैक्टिस है उनको पेपर पे बनाने की जरूरत नहीं है, बट जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो लोग अपने पेपर पे बना लें, ठीक है। अप एंड स्ट्रेट इज यस, साइड इज नो, नॉट दिस टाइम मे बी दिस टाइम, सो दैट यू कैन ड्रॉ इट आउट ऑन द पेपर एंड देन लेट्स बी रेडी फॉर द पेंडुलम यूज। आई एम टेकिंग इट आउट ताकि मुझे आप सबका फेस दिखाई दे सके,
मैं इसको बंद कर रहा हूं, जो जो उन्होंने कॉपी नहीं किया प्लीज कॉपी कर लें, अपने एक पेपर पे बना लें इसको। राइट ये पेंडुलम मेरे हाथ में, पेंडुलम को आप हाथ जोड़ के जैसे भी आप नमस्कार करना चाहें, प्रभु का शुक्रिया करना चाहें, वैसे करें। जो आपके पास चेन है हाथ में, जो आपके पास माला है, जो चाबी का गुच्छा है, जो भी चीज आपके हाथ में, उसको प्रभु से अपना आशीर्वाद जरूर लें, कनेक्ट जरूर करें एक बार और ग्रेटिट्यूड जरूर करें। ठीक है, और इसको मेरे साथ फॉलो करेंगे, ये आपके हाथ में है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तीन उंगली से मैंने पकड़ा इसको, ये स्ट्रेट है बिल्कुल। अब क्या ये सही समय है पेंडुलम को इस्तेमाल करने के लिए? जितनी तेज चलेगा उतनी एनर्जी आप में है। ओके, आई जस्ट स्टॉप्ड इट। राइट, जिनका नहीं चल रहा वो हैंड रेस करें, जिनका पेंडुलम नहीं चला वो हैंड रेस करें प्लीज। सबका पेंडुलम चल गया, अरे वाह क्या बात है, नोबडी इज हियर जिसका पेंडुलम नहीं चला। सर क्लॉकवाइज भी घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। नहीं, ओके, आप एक काम करें, जिनके पेंडुलम में प्रॉब्लम आई है, एक एक बॉटल पानी लें और एक स्टील का ग्लास लें, एक ग्लास पानी लें पिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत करते हुए प्रभु से धन्यवाद करते हुए कि हे प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा पेंडुलम काम कर रहा है, आपका धन्यवाद। एक गिलास पूरा पानी पिए, पानी को अफर्मेशन के साथ पिए जिसका पेंडुलम काम नहीं कर रहा। माला भी तो है। एनीथिंग सर, एनीथिंग। ये तो घूमता है, आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा था। क्लॉकवाइज इज यस, इट्स योर माइंड मेकअप, यू फील दैट योर क्लॉकवाइज इज यस, सो इट वर्क क्लॉकवाइज। इफ इट इज वर्किंग बोथ द वे, इज नॉट गिविंग अ राइट डायरेक्शन, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एक ग्लास पूरा पानी पिए और अपने कॉन्शियस माइंड को स्टेबल करें। नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट इट अगेन। ओके, अब हम बोलेंगे हे प्रभु, पेंडुलम यस है क्या नो है? यस है पेंडुलम, यस है, स्टॉप प्लीज। यस है तो क्लॉकवाइज घुमाए, किसका नहीं चला प्लीज रेज योर हैंड। अलका जी का नहीं चला, अलका जी एक गिलास पानी पिया आपने? पिया आपने सर, हमारा तो बहुत तेज चल रहा है। यस, जिसका तेज चल रहा है दैट इज गुड सर, राइट, क्लॉकवाइज और पूरा फाइन घूम रहा है। वेरी गुड नमिता जी, परफेक्ट, नो को एंटी क्लॉकवाइज चलाए। थैंक यू, स्टॉप प्लीज, धन्यवाद। अलका जी चला, ग्रेट। एनीबडी जिसका नहीं चला? नहीं तो अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आपको अपनी बुक में ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे ये ड्रॉ है, मतलब कलर नहीं लिखे लेकिन एक स्केच करें, उसमें हाफ हाफ राउंड बनाए, उसमें फायर फायर की जगह पे कॉपर लिख लें, वुड मेटल पे यहाँ पे आयरन लिख लें चाहे मेटल लिख लें, वाटर अर्थ की जगह पे ब्रास लिख लें। ये बनाए क्विकली। इसको बनाने के बाद इसके सेंटर में इसको पेंडुलम को टिकाए। राजीव जी, इट्स ऑलरेडी शोइंग अर्थ, ऑलरेडी शोइंग अर्थ, अर्थ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो आपका अर्थ बड़ा स्ट्रांग है, यू आर ए वेरी ग्राउंडेड पर्सनालिटी। अलका जी कीप प्रैक्टिसिंग, पहली बारी में अर्थ आ जाएगा तो जुड़ी नहीं है वो सही है, क्योंकि इट्स अबाउट व्हाट प्रैक्टिस, इट्स नॉट नेसेसरी, प्रैक्टिस जुड़ी है। आपके अपने मन में विचार करिए, हे प्रभु मेरा पॉजिटिव एलिमेंट बताएं, यानी एवरी सी, जिसका जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज के अनुसार, अगर मान लो किसी का मेटल अच्छा है, स्ट्रांग है, तो उसको लाइफ के अंदर जो एयर की प्रॉपर्टीज हैं, जो वेस्ट की प्रॉपर्टीज है, वो बहुत स्ट्रांगली उसको रिलेट करती है जीवन में। वेस्ट की प्रॉपर्टीज, वेस्ट की प्रॉपर्टी डिजायर फुलफिलमेंट की प्रॉपर्टीज है, वो बहुत अच्छे से रिलेट करती है। इंसान मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टेशन जो करता है उसके मैनिफेस्टेशन भी जल्दी से होनी संभावना बढ़ेगी। वाटर अगर पॉजिटिव है तो इंसान एक समय के अनुसार इमोशन होता है, ऐसा नहीं है कि फालतू में इमोशन हो जाएगा, एक अच्छी मेमोरी वाला व्यक्ति होगा।
अगर अर्थ अगर पॉजिटिव है तो व्यक्ति बहुत ग्राउंडेड पर्सनैलिटी होगा, वो स्टेबल होगा, काम होगा। अगर एयर वुड आ जाता है तो उस व्यक्ति का वो व्यक्ति उसकी जो वाक शक्ति है, जो बात बात है, जो कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसिंग पावर विद द पीपल है, वो बड़ी स्ट्रांग होगी। यही कॉपर अगर आ जाता है तो उस व्यक्ति में एनर्जी बहुत होगी, तो वो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज आ जाएगी।